नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। गुमला जिला के जारी थाना की पुलिस ने अवैध हथियार रखने के मामले में चैनपुर प्रखंड के एक मुखिया सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन लोगों के पास से 3 कट्ठा, 1 सिक्सर, 1 मिस फायर गोली समेत 4 जिंदा गोली भी बरामद किया है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी का संपर्क नक्सलियों से है। इस बात की जानकारी SP डॉक्टर एहतेशाम बकारीब ने पत्रकारों को दी। अभी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है 7 लोगों की, जिनके पास से 4 अवैध हथियार बरामद हुआ, जिसमें 3 देसी कट्टा और 1 देसी रिवॉल्वर है, 1 मिस फायर गोली बरामद हुई है और 4 जिंदा गोली। ये रात्रि में सूचना मिला था कि जो एक अभियुक्त है शाहरुख आलम, वो हथियार रखे हुआ है और वो हथियार जो पिछले बार निर्मल मींस को भेजा उससे भी वो संपर्क में रहता है और इसको मालूम है कहाँ कहाँ हथियार ये भेजता है। इसी के सूचना पे फिर इसके पास से एक हथियार बरामद हुआ। फिर इन्होंने बताया कि आगे वहाँ भी हथियार है। फिर उनसे महबूब खान, इफ्तिखार खान को भी अरेस्ट किया गया, जिनके पास से हथियार बरामद हुआ। फिर दीपक चीख पड़ाक और संजय चीख पड़ाक को भी अरेस्ट किया गया, जिनके पास से हथियार बरामद हुआ। और फिर विनायक का और गाबियल कुजूर को भी गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से हथियार बरामद हुआ। सर, पूरा घटनाक्रम, इनमें जो शाहरुख है इनका निर्मल मीन से संपर्क रहा है और इनके पास ऊपर पहले भी 2 कांड दर्ज है जारी थाना में, 9/20 और 19/21। तो ये बाकी लोग का ऐसा कोई आपराधिक इतिहास नहीं पाया गया, बाकी लोग का ऐसा कोई संलिप्तता भी जांच की जा रही है, लेकिन शाहरुख का संलिप्तता रहा है। सर, इन लोगों के पास हथियार मिलना किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना? इन लोग संगठित होकर तो नहीं कर रहे थे, लेकिन इनका सूचना यही था कि ये लोग के पास हथियार है, अवैध हथियार रख के घटना कारित कर सकते हैं कोई भी अपराधी। इस तरह से हथियार रखने वाले युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? डेफिनेटली इलीगल हथियार किसी तरह से भी समाज के योग नहीं है और जो भी ऐसा इलीगल हो वो तो या तो समर्पण कर दे या अपना जो अवैध हथियार उसको पुलिस को समर्पित करके कोर्ट के साथ चले जाए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।